डिनर राष्ट्रपति की तरफ से, मुलाकात पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश के साथ आईएनडीआई अलायंस में शामिल कुछ और नेताओं की, और इसके बाद शुरू हुआ सियासी घमासान। विपक्षी एकता की मुहिम के बीच मोदी और नीतीश की मुस्कुराती तस्वीर के क्या सियासी माने निकाले जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, और साथ ही जानेंगे कैसे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है जेडीयू और आरजेडी, और शिक्षक अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या आ रही है परेशानी। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ, और सबसे पहले खबर बात मोदी और नीतीश के मुलाकात को लेकर मचे हलचल की, देखिए क्या चल रहा है। ओपेक देशों की मोनोपोली को तोड़ने की पहल हुई। G20 की सफल बैठक पर मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। दूसरे देशों ने भी माना कि ये अब तक के सबसे सफल G20 का आयोजन रहा। एक तरफ दुनिया में अच्छा संदेश गया तो दूसरी तरफ देश की सियासत में भी बड़ा संदेश गया। राष्ट्रपति के डिनर में करीब 1.5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने हुए। पटना लौटने पर कहा कि सब ठीक है, अच्छा ही है। उन्होंने चिट्ठी भेजा था, ये है, इसमें आना चाहिए, तुम लोग आ गए थे, वहीं बैठे हुए थे, आप देखेंगे 4 घंटा से भी ज्यादा वहाँ रहे, और बाकी सब लोगों को भी देखा भी, तो वही गए, अब फिर लौट कर के आ गए यहाँ, फिर यहाँ से जा रहे हैं। कैसा रहा सर डिनर? प्रधानमंत्री से लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई। डिनर के दौरान सीएम नीतीश कुमार की ये तस्वीर की खूब चर्चा है, जिसमें वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ दिख रहे हैं। सिर्फ नीतीश ही नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी डिनर में मौजूद रहे, यानी वो नेता जो आईएनडीआई अलायंस में शामिल हैं और मोदी विरोधी मुहिम में शामिल हैं। और इस डिनर के बाद से ही शुरू हो गई बयानबाजी, तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इन कयासों को सिरे से खारिज कर रही है। नीतीश कुमार जी प्रोटोकॉल के लिए जाने जाते हैं, राजनीतिक असहमति के बीच भी नीतीश कुमार जी की यही व्यक्तित्व की खूबसूरती है कि देखे आज तक 18 वर्ष में कभी राजभवन से टकराओ, कभी न्यायपालिका से टकराओ, ऐसा कभी वातावरण नहीं बना है। तो नीतीश कुमार जी तो गए, निमंत्रण आया महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ से, और महामहिम राष्ट्रपति के भोज में शामिल हुए। अब यह स्वाभाविक है कि हमारी उम्मीद यह थी कि देश के अंदर में ऐसे भी नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती थी, नीतीश कुमार इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते थे, इसकी लंबी लिस्ट है। एनडीए छोड़ने के बाद अगस्त 2022 में नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी। 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता में नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की, लेकिन नीतीश कुमार मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इस मीटिंग में उनकी जगह तेजस्वी यादव शामिल हुए। मई 2023 में भी नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन जब
का काम कर रहा है, कहीं कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री मजबूती से विपक्षी एकता को एक करने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से आगे की लड़ाई वो लड़ेंगे। राष्ट्रपति के डिनर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए। सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मौजूद रहे। जबकि गैर कांग्रेस विपक्ष की बात करें तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन डिनर पार्टी में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि काफी गर्मजोशी से पीएम से मुलाकात भी हुई। वहीं ममता बनर्जी तो उसी टेबल पर रही जिस पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे। तीन राज्यों के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार के बीच नीतीश, ममता, स्टालिन और हेमंत की मौजूदगी पर कांग्रेस का कहना है कि सभी पार्टियां अलग है और सभी की सोच अलग है। प्रोग्राम में भाग नहीं क्यों भाग लेंगे जब आप विरोधी दल के नेता को नहीं बुला रहे हैं, तो फिर क्यों भाग लेना है आपके कार्यक्रम में? आपको मैं अगर कोई भोज दूं, बाकी चार साथियों को आपको बुलाऊं, आपको नहीं दे, तो ये लोग को, इन लोगों को भी तकलीफ होगी। नीतीश कुमार पहुंचे हैं और लंबे समय नीतीश कुमार जी कांग्रेस पार्टी से अलग उनकी पार्टी है, उनका सोच अलग है, हम लोगों का सोच अलग है। मैंने इसलिए तो उदाहरण दिया कि कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस का हुकूमत था दिल्ली में, देश में, तो हम लोग भेजा करते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। नीतीश कुमार डिनर में शामिल हुए तो बीजेपी के सुर भी बदले दिखे। कांग्रेस पर हमला और नीतीश की तारीफ होने लगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति के भोज का बहिष्कार और नीतीश कुमार का शामिल होना सोच का फर्क है। नीतीश ने मर्यादा का पालन किया है। मंत्री बहिष्कार किए इसको उन्होंने जब सही बता रहे हैं, तो उनकी सोच देखिए कितना घटिया स्तर का है कि उस हमारे पूरे G20 के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आए और उस डिनर में आमंत्रित किया गया सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, और उनका वो बहिष्कार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया और नीतीश जी खराब किए। तो उनकी सोच है, ऐसा ही सोच उन्होंने आज तक रखा है, शुरू से लेकर के अभी तक यही सोच रहा है। देश के प्रति नकारात्मक सोच रहा है, विकास के प्रति नकारात्मक सोच रहा है, काम के प्रति नकारात्मक सोच रहा है। उनका सोच कहाँ पॉजिटिव है, हर जगह तो नकारात्मक है। हर मुद्दे पर नीतीश पर निशाना साधने वाले बीजेपी के बदले सुर पर कई तरह की चर्चा है। देखना होगा कि विपक्षी एकता की मुहिम के बीच डिनर डिप्लोमेसी क्या रंग लाती है और सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की एक तस्वीर ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। डिनर डिप्लोमेसी के बहाने नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। ये नेता कभी न कभी बीजेपी के साथ रहे हैं। वैसे भी राजनीति में ना तो कोई लंबे समय तक दोस्त रहता है ना ही दुश्मन, जरूरत के मुताबिक रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये मुलाकात क्या रंग लाती है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।